हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में जो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। दोस्तों इससे पहले लोकसभा व राज्यसभा के वीडियो हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाए, उसमें आप सभी ने इतना सारा प्यार स्नेह दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम राज्य की कार्यपालिका का वीडियो लेकर के आए हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम राज्यपाल से संबंधित सभी प्रावधानों को भी समझेंगे। तो दोस्तों इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली विद्वान है, उसी प्रकार राज्यों की अगर बात करें दोस्तों तो विधानमंडलीय शासन प्रणाली विद्वान है। यानी केंद्र की अगर बात करें, केंद्र में दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली विद्वान है, संसदीय शासन प्रणाली विद्वान है। और यदि राज्य की बात करें दोस्तों तो राज्यों में विधानमंडलीय शासन प्रणाली विद्वान है, विधान मंडलीय शासन प्रणाली विद्वान है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान के भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किए गए हैं, राज्य शासन के लिए प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों राज्य की कार्यपालिका को हम 4 अंगों में तोड़ सकते हैं। तो पहला अंग दोस्तों है राज्यपाल, दूसरे अंग के रूप में मुख्यमंत्री और तीसरे अंग के रूप में अगर बात करें दोस्तों तो मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद, और चौथे अंग के रूप में यदि बात करें दोस्तों तो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। तो दोस्तों इसमें मंत्रिपरिषद जो है, जिस प्रकार केंद्र में हमने आपको प्रधानमंत्री वाली वीडियो में पढ़ाया था, केंद्र में प्रधानमंत्री वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो दोस्तों जो मंत्री परिषद है वहां प्रधानमंत्री वाली वीडियो में समझ सकते हैं। जिस दोस्त ने हमारे प्रधानमंत्री वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको पॉलिटी की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर यदि महाधिवक्ता की बात करें दोस्तों, तो जिस प्रकार केंद्र में केंद्र सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में महान्यायवादी कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्य सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता कार्य करते हैं। यानी केंद्र सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों, तो विधिक सलाहकार के रूप में महान्यायवादी कार्य करते हैं, महान्यायवादी कार्य करते हैं। महान्यायवादी से संबंधित वीडियो दोस्तों हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाया, वो आपको क्वालिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उससे पढ़ सकते हैं महान्यायवादी को। यदि राज्य सरकार की बात करें दोस्तों, राज्य सरकार की, तो इस राज्य सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है, विधिक सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता कार्य करते हैं, महाधिवक्ता कार्य करते हैं। तो दोस्तों महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री से संबंधित वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम समझते हैं राज्यपाल, राज्यपाल से संबंधित सभी प्रावधानों को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल को, किसको पढ़ते हैं दोस्तों, तो राज्यपाल को। तो जिस प्रकार दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार दोस्तों राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राज्यपाल महोदय होते हैं। क्लियर दोस्तों, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय होते हैं, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों, तो वो राज्यपाल होते हैं। और दोस्तों राज्यपाल के पद से संबंधित सभी प्रावधानों को कनाडा के संविधान से लिया गया है, कहां से लिया गया दोस्तों, तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक हेड होता है दोस्तों वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक हेड की अगर बात करें तो वो राज्यपाल होते हैं। यानी कि राज्य की कार्यपालिका के, राज्य की
कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख की अगर बात करें दोस्तों तो वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। लेकिन यदि वास्तविक हेड की अगर बात करा जाए, यानी कि वास्तविक प्रमुख की अगर बात करी जाए, तो वो मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। परंतु वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। भारत में राज्यपाल के पद का प्रारंभ 1956 ईस्वी से हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1956 ईस्वी से हुआ था। इसके तहत बनने वाले भारत के प्रथम राज्यपाल जो थे वो गुरमुख सिंह निहाल थे। कौन थे दोस्तों? प्रथम राज्यपाल यदि भारत में पहले बने हैं तो गुरमुख सिंह निहाल, गुरमुख सिंह निहाल बने, और इन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। और दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। यदि दोस्तों राजस्थान की राजधानी की अगर बात करें तो क्या है? जयपुर। और यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों अशोक गहलोत हैं। कौन है मुख्यमंत्री वर्तमान में? तो श्री अशोक गहलोत, श्री अशोक गहलोत। और दोस्तों भारत में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राजस्थान है। क्लियर दोस्तों? और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 34,22,39, 342,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। तो चलिए दोस्तों अब हम राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझ लेते हैं जिनसे विभिन्न एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद की अगर बात करें, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो हमें अनुच्छेद 152 मिलता है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन मिलता है। यानी कि पद का वर्णन कहां मिला दोस्तों? पद का वर्णन तो अनुच्छेद 152 में मिला। फिर अगला दोस्तों हमारा है अनुच्छेद 153। इसमें इसके तहत राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा की बात कही गई है। यानी कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु दोस्तों एक सातवां संविधान संशोधन होता है 1956 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों? सातवां संविधान संशोधन हो जाता है आपका, संशोधन 1956 ईस्वी को होता है। कब होता है दोस्तों? तो 1956 ईस्वी को। इसके तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होगा की बात कही गई है। और वर्तमान में दोस्तों जो राज्यपाल हैं इस संविधान संशोधन के तहत ही एक राज्यपाल
दो राज्यों का कार्यभार संभालता है। क्लियर हो गया हो दोस्तों? तो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के रूप में अनुच्छेद 154। इस अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल की कार्य एवं शक्ति का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 154 क्या है? कार्य एवं शक्ति है किसकी? राज्यपाल की। कार्य एवं शक्ति का वर्णन मिलता है। फिर अगला है दोस्तों अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। किसके तहत होती है दोस्तों? अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति। क्लियर हो गया दोस्तों? तो नियुक्ति की अगर बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, यानी कि राज्यपाल जो हैं उनको कौन नियुक्त करता है? नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति। फिर अगला है हमारा अनुच्छेद 156। तो अनुच्छेद 156 के तहत, चलिए दोस्तों पहले तो हम 55 तक रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ में। तो अनुच्छेद 155 में यानी कि राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। फिर अनुच्छेद 153 आ जाता है। अनुच्छेद 153 के तहत बात कही कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु दोस्तों हो जाता है 7वां संविधान संशोधन, और एक कब होता है? 1956 ईस्वी में। इसके तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा की बात कही गई है, और वर्तमान में जो राज्यपाल जो हैं दो राज्यों का या तीन राज्यों का कार्यभार संभालते हैं, तो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत संभालते हैं। क्लियर होगा दोस्तों? फिर अगला हमारा अनुच्छेद 154 मिलता है, इसमें राज्यपाल के कार्य एवं शक्ति का वर्णन मिलता है। और अगला हमारा दोस्तों अनुच्छेद 55, इसमें नियुक्ति की बात कही गई है। किसके? तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है, और राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है दोस्तों तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और फिर अगला हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में हमें अनुच्छेद 156 देखने में मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्य काल का वर्णन मिलता है। तो राज्यपाल के कार्यकाल की अगर बात करें दोस्तों, तो ऐसे तो सामान्यता 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? सामान्यता 5 वर्ष का होता है परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कौन? तो राज्यपाल। तो यानी चूंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इसीलिए राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे आपको ध्यान रहेगा दोस्तों, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपका। फिर अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 157। फिर अनुच्छेद 157 की अगर बात करें दोस्तों, राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन मिलता है। तो अब बात आती है योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो चलिए दोस्तों हम उसको समझ लेते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं। तो पहली योग्यता तो दोस्तों यही होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है दोस्तों कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और दोस्तों तीसरी योग्यता वह किसी लाभ के पद पर ना हो। किसके पद पर ना हो दोस्तों? तो तीसरी योग्यता के रूप में लाभ
के पद पर ना हो। और चौथी योग्यता दोस्तों ये है कि वह जिस राज्य का राज्यपाल बने उसका स्थायी निवासी ना हो। तो जिस राज्य का राज्यपाल बने उसका मूल निवासी ना होना चाहिए, मूल निवासी ना हो। तो इतनी योग्यताएं होनी चाहिए दोस्तों तो वह राज्यपाल बन सकता है। फिर दोस्तों अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के रूप में हमें अनुच्छेद 159 मिलता है। इस अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ की बात कही गई है। मैं यहां पे लिख देता हूं अनुच्छेद 159। तो शपथ की बात किसमें कही गई दोस्तों राज्यपाल की, तो अनुच्छेद 159 में। तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात आती शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को, नियुक्ति चलो राष्ट्रपति महोदय कर देते हैं, लेकिन बाद में शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं दोस्तों, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बात आती कि जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस समय प्रेजेंट नहीं हुए तो कौन शपथ दिलाएगा, तो दोस्तों कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिला सकता है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिला सकता है। यदि दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के मौजूद हुए तो वे ही शपथ दिलाएंगे, और शपथ किसको दिलाएंगे तो राज्यपाल को दिलाएंगे। और यदि इनकी अनुपस्थिति होती है तो कौन उनको शपथ दिलाएगा, तो कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिला सकता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के रूप में अनुच्छेद 152 उसमें पद का वर्णन, 53 में कहा गया कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, 7वां संविधान संशोधन हो जाता 1956 ईस्वी में, उसमें कहा गया था 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल होगा की बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 154 में जाता है हमें, उसमें राज्यपाल के कार्य एवं शक्ति का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 155 में नियुक्ति की बात कही गई, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और अनुच्छेद 156 में अगर बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति तो हो गया। फिर अनुच्छेद 156 की बात करें दोस्तों तो कार्यकाल का वर्णन मिलता है। अब इनका समानता कार्यकाल अगर पूछा जाए दोस्तों तो 5 वर्ष का होता है, परंतु ये राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्लियर हो गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट तुम्हारा अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन मिलता है। अब योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा क्या है दोस्तों, तो तीसरा लाभ के पद पर ना हो, और चौथा है जिस राज्य का राज्यपाल बने उसका मूल निवासी नहीं होना चाहिए। फिर अनुच्छेद में 159 देखने को मिलता है, फिर उसमें उनके शपथ ग्रहण की बात कही गई है, और शपथ कौन ग्रहण करवाता है दोस्तों, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जिस प्रकार राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, है ना। तो राज्यपाल कौन दिलाया, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और यदि इनकी अनुपस्थिति होती है तो कौन दिलाएगा, तो कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। तो चलिए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझ लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 161। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 161। इस अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, यानी क्षमादान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, तो अनुच्छेद 161। परंतु दोस्तों आपको याद रहे कि राज्यपाल महोदय जो होते हैं वो मृत्यु दंड की सजा को क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो मृत्यु दंड को छोड़कर इसको सिर्फ राष्ट्रपति महोदय क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल के यदि दोस्तों वेतन की बात करें तो राज्यपाल का वेतन 3,50,000 है। कितना है दोस्तों, तो वेतन
350,000। फिर अगला अनुच्छेद हमें देखने को मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 213। इस अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और इसकी अवधि दोस्तों 6 सप्ताह की होती है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है कौन सा आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 213 के तहत। और अध्यादेश जारी करने की अवधि कितनी है दोस्तों, तो 6 सप्ताह की, इसको याद रखिएगा। तो कितने अवधि की अगर बात करें दोस्तों, तो अवधि कितनी है, 6 सप्ताह की। फिर अगला अनुच्छेद है दोस्तों हमारा राज्यपाल से संबंधित, अनुच्छेद 333। कौन सा है दोस्तों, अनुच्छेद 333। इस अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल के द्वारा तो राज्य की विधानसभा में और किसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों, तो एक आंग्ल भारतीय की, किसकी दोस्तों, तो आंग्ल भारतीय की, और एक आंग्ल भारतीय, इंग्लिश में कहे तो दोस्तों एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 333 यानी कि 333 के तहत। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, चलिए इन तीन को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 161 में क्या कहा गया दोस्तों, तो क्षमादान है ना, लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर। फिर अनुच्छेद 213 में कहा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है और अध्यादेश जारी करने की अवधि क्या है, तो 6 सप्ताह की है। फिर अगला अनुच्छेद 333, इसमें राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की जाती है और किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के वेतन की अगर बात करें तो कितना है, तो 350,000 इनका वेतन है। फिर अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में हमें देखने को मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 356। इस अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है, यानी किससे करता है दोस्तों, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। तो राष्ट्रपति शासन कौन सा आर्टिकल के तहत लगता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 356 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अब दोस्तों हम राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियों को भी समझ लेते हैं, कार्य एवं शक्तियां। तो कार्य एवं शक्तियों में दोस्तों मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद रखा है, उनको हम समझते हैं। तो अनुच्छेद 154 का फर्स्ट, हमने दोस्तों आपको बताया था अनुच्छेद 154 में कार्य एवं शक्तियों का वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद 154 का फर्स्ट में बात कही गई है कि राज्य की कार्यपालिका के समस्त शक्तियों का उपयोग राज्यपाल अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो कौन करता है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का उपयोग, तो राज्यपाल करता है और किसके माध्यम से करता है, अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अधीनस्थों के माध्यम से करता है की बात कही गई अनुच्छेद 154 का फर्स्ट। फिर अगला अनुच्छेद हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 164 का फर्स्ट, कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद आप इसको नोट जरूर कीजिएगा 64 का फर्स्ट। इस अनुच्छेद 164 के फर्स्ट के द्वारा दोस्तों राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है व उनको शपथ भी दिलाई जाती है, यानी कि राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री
की नियुक्ति करते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 164 के फर्स्ट के तहत। और इनको मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ भी कौन दिलाता है दोस्तों? तो राज्यपाल दिलाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? लेता हूं नोट। जिला जज की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल महोदय करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? फिर अगला अनुच्छेद हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 167। इस अनुच्छेद 167 के तहत दोस्तों महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कौन देता है दोस्तों? परामर्श देता है। तो कौन देता है? राज्यपाल। आप इसको समझे नहीं समझोगे? चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल जो होते हैं वे राज्य में महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देते हैं। और कौन से आर्टिकल के तहत देते हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 167 के तहत। तो समझ में आया होगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों मैं इसको रिवाइज कर देता हूं एक बार। तो कार्य एवं शक्तियां है ना, तो अनुच्छेद 154 का फर्स्ट, उसमें राज्यपाल अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्यपाल के समस्त शक्तियों का उपयोग करते हैं। फिर अनुच्छेद 164 का फर्स्ट, उसमें राज्यपाल महोदय जो होते हैं वो मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और उनको शपथ भी दिलाते हैं। तो मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राज्यपाल दिलाते हैं। फिर अगला आपको नोट पॉइंट में जिला जज की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल महोदय करते हैं। और अनुच्छेद 167 में क्या है? राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है दोस्तों? तो राज्यपाल द्वारा परामर्श दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो से लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।